ओम शांति। सुप्रभात। सद्गुरु परमात्मा निराकार शिव पितांकर सच्चा सच्चा ब्रह्मावश्य संगम जुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण संतान मानंकु सद्गुरुवारर शुभ सकाळरे हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। घर हेउ बा बाहर माता पिता शिक्षक समस्ते चाहि थांती कि पिला माने भल पढ़ंतु भल मनीष हुंतु। उच्चरु उच्च शिक्षा प्राप्त करिबा पाई मध्यो अनेक धन व्यय करी विदेश को पिला मानकु पठौचंती पाठ पढ़िबा पाई। प्रतियोगितामूलक मनोभाव हेउ बा वर्तमान निजुक्ति सुजोगर समस्या कारणरु हेउ दिन राति एक करि देउछंती पाठ पढ़िबा पाई चाहुछंती भल निजुक्ति टिए मिलि जाउ उच्च वेतनर कर्मसंस्थान मिलि जाउ तेबे समस्तंकु जे निजुक्ति मिलि जाउछि बा मिलि जिवार ग्यारंटी अछि ताहा मध्य नुहे। कारण स्वल्प पद पदवी पाई आशातीत प्रार्थी भगवान कहुछंती मधुर संतानगण मु एबे तुमको एपरी पाठ पढ़ेबा को आसी जद्वारा तुमे गोटिए जन्म नुहे परंतु पूरा एकोईश जन्म पर्यंत संपूर्ण संपत्तिवान संपूर्ण सुख शांति रे भरपूर होइजिव उच्चरु उच्च श्रेष्ठ दैवी पद को प्राप्त करि परिबो। एहा अविनाशी अटे कारण सर्वप्राप्तिर मूल आधार आत्मा उपरे निर्भर करे। जेहेतु सारा दुनिया आज आत्मविस्मृत होई देह सर्वस्व होई जाइछि एवं संपूर्ण तत्व मध्य तम प्रधान पतित होई जाइछि तेणु देह अहंकार कारण रुही दुख अशांति बढ़ी बढ़ी चली। से ही मूल आधार अर्थात आत्मा को संपूर्ण परिवर्तन करी पवित्र सतो प्रधान करिवार पाठ मु एबे पढ़ौछि। तेणु यही श्रेष्ठ आत्मिक पाठ पढ़ारे केबे हेले अवहेला करो नाही। अविनाशी ज्ञानरत्नरे निजर बुद्धिरूपी झूलामणि पूर्ण करि चाल। विनाशी धन जहाँ केवल यही गोटे जन्म पाई उद्दिष्ट ताहा पुणी एबे सबु किछि विनाश होइजिव ता निसारे रही यही अविनाशी रोजगार को छाड़ी देवा उचित नुहे। एहा द्वारा अनेक जन्मर भाग्य को निज पादरे निजे आड़ेइ देवा सदृश होइजिव। मो पिला माननकु मो भली दयाशील हेबार दरकार। जेउ माने दयाशील सेमाननकु ज्ञानर निशा चढ़ी रहिब सेमाने ज्ञानरत्न को धारण करी अन्य माननकु ज्ञान रूपक इंजेक्शन लगेइ चालिबे अर्थात समस्तंकु एही ज्ञान बांटी चालिबे समस्तंकु आसुरी मतरु मुक्त करी चालिबे। मु जेउ ज्ञान सुनौछि ताकु नोट करी अमृत बेलारु उठी चिंतन करिबे विचार सागर मंथन करी हर्षित रहिबे। बाबा कहुछंती दुनिया रे शिवरात्रि पालन करुछंती परंतु कहारी को जणा नाही शिव केबे अवतरण करिथिले अवतरण करी कौन करिथिले पुणी रात्रि समय रे अवतरण देखेइ दैछंती केउ रात्रि ए कथा मध्य जानी नाहंती। जहा मु वर्तमान आसी तुम पिला मानकु सुणौछि जेतेबेले सारा सृष्टि संपूर्ण पतित तम प्रधान होई जाए
अर्थात एई घोर कलिजुगरे अज्ञान अंधकार समस्त मानव समाज को कबलित करी रखी सेथिपाई एई अंधकार समय रे कल्प कल्प कल्पर एई संगम जुगरे मु धरापृष्ठ रे अवतरण करी थाए एवं अज्ञान अंधकार को दूर करी सुख शांति भरा नूतन दुनिया स्थापना करी थाए। कुहा जाए ना ज्ञान अंजन सद्गुरु देले अज्ञान अंधार विनाश। शिवरात्रि एई संगम जुगर मोर अवतरणर स्मृतिर पर्व अटे। तेणु एही पुरुणा दुनियारु अनासक्त रहिबाकु हेब। स्वच्छ बुद्धि होई ज्ञान को धारण करिबा सहित अन्य को धारण करैबाकु हेब। विचार सागर मंथन करी बुद्धि को शक्तिशाली करिबा दरकार। परिवर्तनर शक्ति द्वारा बीती जाइथिबा कथा को बिंदु अर्थात फुल स्टॉप लगौथिबा निर्मल एवं नम्र हुआ। प्रथमे स्वपर्व परिवर्तन कर जे मु शरीर नुहे आत्मा बिंदु। तापरे निजर स्वभाव को परिवर्तन कर कारण पुरुणा स्वभाव संस्कार ही पुरुषार्थी जीवन रे धोका दे थाए बाधक साजी थाए। संकल्प को मध्य परिवर्तन करिबा जरूरी। एहा द्वारा संपूर्ण निर्मल नम्र अर्थात निरहंकारी होइजिव। मस्तकरे स्मृतिर तिलक सदा सर्वदा चमकु थाउ। एहा ही हेउछि सच्चा सुहागिनीर लक्षण। जेहेतु परमात्मांकु आमे परमात्मा स्वामी बोली कहुछे। अच्छा आज पाई एतिकी। पुणी आसंता काली ठीक एई समय रे आमे माने पुनश्च एकत्रित हेबा सेई कल्याणकारी परमात्मांकर आउ किछे अमूल्य महावाक्य को श्रवण करिबा मनन करिबा धारण करिबा एवं कर्तव्य रे पालन करी निजर जीवन को सफल करिबा निजर भाग्य को गढ़ी चलिबा तथा सारा विश्वर कल्याण करी चलिबा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।